हेलो दोस्तों, कैसे आप? साथ सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों यार, ये वीडियो में बात करेंगे कुछ नए अपडेट्स के बारे में जो कि यार रिसेंटली इंडिया में रोल आउट होकर आपको मिल रहा है दोस्तों। तो काफी जल्दी जो है हम लोग को काफी सारे अपडेट्स देखने को मिला है। तो यार बने रही हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यार आजकल का कोई भी ठिकाना नहीं है। शाओमी जो है रोज कोई कोई फोन का भी अपडेट दे रहा है। तो जरूर से यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा लेटेस्ट अपडेट्स टाइम पे पाने के लिए, क्योंकि यार हो सकता है कल जो है आपका फोन को भी अपडेट दिया जाए। तो यार सबसे पहले जो है न्यूज में कवर करने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। तो अगर आपको अपना फोन से रिलेटेड सारे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो आइकन उसे भी टर्न ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी सबसे पहले बात करेंगे कि यार रिसेंटली जो इंडिया में दो अपडेट आया है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो अपडेट मिला है दो फोन्स को। एक तो हो गया रेडमी का नोट 8 और दूसरा हो गया इंडिया का रेडमी का नोट 10 प्रो और 10 प्रो मैक्स दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यार रेडमी का जो नोट 10 प्रो मैक्स है उसे चाहिए कौन सा वर्जन का अपडेट दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.5.10.0 जो है ये अपडेट का वर्जन नंबर है। और यहाँ पे जो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 12.5.10.0 इसका स्क्रीनशॉट आ गया है दोस्तों। यहाँ पे जो है सिंबल आपको MIUI 13 का देखने को मिलता है, लेकिन यार ये चीज जो है गलती से आ गया है, क्योंकि यार आपको यहाँ पे देख ही रहा होगा इसका ऑलरेडी वर्जन नंबर जो 12.5 के ऊपर है। अभी तक तो यार इंडिया में 12 का अपडेट ही आ रहा है, 13 का अपडेट अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है MIUI 13 का भी जो है इंडिया में अपडेट देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे जो है रेडमी का जो नोट 8 है उसके लिए भी अपडेट आपको रोल आउट होकर मिलने लग गया है। अभी बात करेंगे इसका वर्जन नंबर का, तो यहाँ पे जो है 12.5.1.0 इसका वर्जन नंबर रखा गया है। ये अपडेट में भी जो आपको थोड़ा बहुत सिस्टम इंप्रूवमेंट और बग फिक्सेस देखने को मिलेगा। इसका अगर साइज का बात करेंगे तो 656 MB का इसका साइज रखा गया है 12.5.1.0, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका वर्जन नंबर रखा गया है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही अपडेट में जो आपको काफी सारा नया फीचर्स और सारे साथ सिक्योरिटी पैच बग फिक्सेस ये सब देखने को मिला है। तो जरूर से यार मुझे कमेंट में बताइए कि आपको जो है ये अपडेट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है जो है अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है तो इसके कारण जो है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए रिसीव होते होते, ऑलमोस्ट मान के चलिए एक हफ्ते में जो आपको जरूर से अपडेट रिसीव हो जाना चाहिए दोस्तों। तो मैन्युअली जरूर से अपना अपडेटर ऐप में जाके चेक करते रहिएगा कि आपको जो अपडेट आया है कि नहीं आया है दोस्तों। बाकी फोन से रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन जैसे कि आपको दिख रहा है दो दो अपडेट जो है शाओमी अभी दिया है इंडिया में। तो हो सकता है कि कल परसों में भी जो आपको एक और अपडेट एक और फोन को मिल जाए दोस्तों। तो जरूर से चैनल को फॉलो करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितना भी न्यूज आता है जितना भी अपडेट आता है मैं जो कोशिश करूंगा आपको टाइम पे देने का दोस्तों। इस वीडियो के लिए आज से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।